मॉर्निंग गाइस, आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैंने सारी सफाई कर चुकी है और सब चीज़ हो चुका है, नाश्ता बन चुका है और आज देखो कितना प्यारी धूप हो रही है, कितनी प्यारी धूप आई है। ठीक है, तो आज हम बाहर नाश्ता करेंगे, बाहर में बैठ के नाश्ता करेंगे। और मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी भी धूप सेक रही है। ये मेरी मम्मी, ठीक है, मम्मी धूप सेक रही है। गाइस देखो, मेरी सिस्टर ने आज हरी सब्जी बनाई है और आज हम हरी सब्जी और रोटी खाएंगे। रोटी हम बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। गाइस अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। गाइस अब हम खटाई बनाएंगे और खटाई में हमने आज दो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, मूली और मौसम्मी है। मौसम्मी हमारी ताईजी गांव से लेके आई थी और आज इसमें हम धनिया भी मिला रहे हैं। ठीक है, और मसाले भी हैं इसमें काफ़ी। मौसम्मी कितने बड़े बड़े हैं देखो, ये भी कटेंगे, धनिया है। ठीक है, और इसमें है चीनी, नमक, मिर्च और यह है काला नमक भी डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, चलो काटते हैं आज। वैसे तो इसमें वो पीसते हैं, क्या बोलते हैं, धनिया और लहसुन के पत्ते, मिर्ची का चटनी बना के डालते हैं, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं था ना, इसलिए हमने ऐसी करा। ठीक है, जल्दीबाजी में बनाने के लिए। जैकू आ गया, ये हमारा प्यारा सा जैकी है और ये मेरी बहन के साथ खेल रहा है। देखो ऐसे प्यार कर रहा है ये। जैकू जैकू, नहीं नहीं जैकू ऐसा नहीं करते। नाराज हो गया, अब ऐसे बैठा रहेगा ये। जाओ जैकू खेल लो। चलो माल्टो को काटते हैं। अब ये जो मसाला है इसमें डालेंगे। अच्छा लग रहा है ना, वाओ। अभी सबको मिलाएंगे तब खाएंगे। अच्छे से हाथ से मिलाते हैं ना तो उसमें ज़्यादा स्वाद आता है, स्पून से नहीं आता इतना। अच्छे से मिलाएंगे कि धनिया का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए और जो चीनी है वो भी पिघल जाए। अच्छे से मिलाएंगे। हाँ अब हो चुका है, थोड़ा सा और मिलाना पड़ेगा। हो गया है, अब टेस्ट करते हैं। वाओ बहुत टेस्टी हो रहा है, सब चीज़ ठीक पड़ा है इसमें, अच्छा सा पड़ा है। गाइस अब शाम का वक्त हो चुका है और हम इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे ठीक है कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं इवनिंग वॉक करने। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं पर वो हमसे पहले जा चुके हैं, तो अभी हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा और उनको उनके पास जाना पड़ेगा कि साथ में जा पाएं। वैसे तो दूर में देख ही रहे होंगे आप, दूर में जो लोग हैं ना वो हमारे साथ ही हैं। गाइस अभी हम पीछे रह गए हैं और मम्मी, ताई, मौसी, दीदी सब आगे निकल गए, अभी हम उन्हें पकड़ना पड़ेगा। जाते हैं जल्दी जल्दी, पहुंच गए हम। ये हमारी छोटी सी बिल्ली है वानी, तो क्यूट है नहीं? अभी इसका मन नहीं है बात करने का। चलो चलो चलो, ये राबी है, छुटकू सी राबी, हाय करो, वो खुश हो रही है। चलते हैं चलते हैं।
अभी हमें काफी दूर जाना है क्योंकि जो सुसौ तो पानी में लगता है, उसकी सब्जी बनती है। हम जैसे ही हमने मतलब हमने थोड़ा सा चले ना, तो हमें एक प्यारा सा डॉगी मिला रास्ते में। देखो बहुत सारी गाड़ियां भी चल रही है, एक तो इतनी पतली रोड में ना पानी क्यों चलाते होंगे गाड़ियां। हमने अब 2-3 घंटे वॉक करी, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं क्योंकि फिर आते आते अंधेरा हो जाता है ना आजकल, वैसे भी ठंडियों का मौसम है। हमने ना मतलब एक सामने ना गन्ने कट रहे थे ना, हमने फिर वहां से उनसे एक दो गन्ने मांगे और हम आधे आधे सबने ले ली। हम जब आ रहे थे तो हमें एक और डॉगी मिला ब्लैक कलर का, हमारे पीछे घूम रहा था, शायद उनसे गन्ना चाहिए था हमसे। मौसी गन्ना दिखा रही है। हम जब वापस आ रहे थे हमें एक ब्लैक कलर का डॉगी भी दिखाई दिया, और हमारे पहचान में एक अंकल है ना, उन्होंने अपने खेत में ना मतलब गेहूं के बीच में नींबू के पौधे लगा रखे हैं, उसमें नींबू भी आ रखे हैं, मतलब छोटे से पौधे हैं ना, बड़ा पेड़ नहीं है नींबू का, छोटे छोटे पौधे हैं और उसमें नींबू लग रखे हैं, शायद हाइब्रिड हो गए। हम घर की तरफ जा रहे हैं, अभी में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना घर पहुंचने में, और ठंड भी पड़ रही है। एक हमें ये भी दिखाई दिया, जेसीबी भी आ रहा है, कुछ काम चल रहा ना वहाँ पे, मतलब हमारे इधर एक नदी है ना वहाँ पे वो पत्थर बिछाने का काम कर रहे हैं। इस सारे रोड पे ना चेंज हो चुका है कि पहले यहाँ पे घर भी नहीं थे, अब इतने मस्त मस्त घर बन रखे हैं। और एक जनरल स्टोर भी मिल गया क्योंकि ना जहाँ पे घर बन जाते हैं वहाँ पे तो ज़रूरत का सामान तो होना ही चाहिए, नहीं तो दूर जाना पड़ता है। मैंने बीच बीच में साउंड इसलिए बंद करी ना क्योंकि फिर गाड़ियों की आवाज़ भी आ जाती है, फिर अच्छा ही लगता वीडियो में, क्योंकि इतनी मोटी मोटी मतलब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी तो उसकी आवाज़ बहुत तेज तेज हो रही थी, तो इस वजह से हमारी साउंड क्लियर नहीं आ रही थी। हमारे उधर इतने सारे बंदर होते हैं ना, हम वही देख रहे थे कि आज कोई हमें बंदर नहीं दिखा बीच रास्ते में, नहीं तो वो हमारे गन्ने ले लेता।
तुम देख रहे थे साइड साइड में, आजकल इतना ट्रैफिक हो रहा है ना रोड में कि पैदल चलने वाले वाले बहुत वो हो रहा है, धूल मिट्टी भी आती है मुंह पे, एक्सीडेंट वगैरह भी जाते हैं। सो गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।